मंदिर दिख रहा है, वहां जाना है अभी हमने। देखिए जूम करके दिखाता हूँ, ये सामने मंदिर है, यहाँ जाना है अभी। चलिए कराएंगे दर्शन आप लोगों को। देखो कितना प्यारा व्यू है यहाँ से। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, ये मंदिर का द्वार स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ से थोड़ी हल्की फुल्की सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, उसके बाद प्लेन है रास्ता, कोई दिक्कत नहीं है। तो जय हो। ये देखिए व्यू कितना अच्छा है यहाँ। ये सीमेंटेड रास्ता जा रहा है, यहाँ आप आते जाते नाश्ता कर सकते हैं। तो अब यहाँ से बस सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। वो सामने देखो मंदिर है, वहाँ जाना हमने। जय हो जी। फिर वहाँ जाके दर्शन कराएंगे, दर्शन करिए। तो ये देखो सीढ़ियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर रह गया बस मंदिर। फिर दर्शन कराते हैं आपको, बहुत जल्दी दर्शन होने वाले हैं। ये देखिए चारों तरफ बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं। बस कुछ ही पल में आपको दर्शन होंगे। तो ये देखो जैसे कि मंदिर आने वाला है, ये देखो वो सामने मंदिर आ रहा है। व्यू देखो कितना अच्छा है, आपको अभी दर्शन कराएंगे। बस रुक चुके हैं, देखिए तो ये सामने मंदिर है जैसे कि देखिए। कार्तिकेय भगवान का मंदिर, कितना अच्छा व्यू है, चारों तरफ खाई है, 360 एंगल का वो है यहाँ पे। देखो चारों तरफ खाई है और बर्फ के पहाड़ हैं। इससे पहले आपने अभी मंदिर के दर्शन करे होंगे। अभी दर्शन कराए हम लोगों ने कार्तिकेय भगवान के। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि यहाँ की मान्यता ये है कि जब शंकर भगवान ने कहा था ना, आप लोग चारों दिशाओं के चक्कर लगा के आओ, जो पहले आएगा लगा के उसको पहले पूजा जाएगा, तो हुआ यूँ, गणेश भगवान ने चक्कर उन्हीं के लगा लिए थे शंकर भगवान के, कार्तिकेय भगवान मोड़ से गए थे। तो उसमें ऐसा माना जाता है कि थोड़ा सा कार्तिकेय भगवान नाराज हो गए थे, तो यहाँ पे आके उन्होंने पार्वती माता को नमस्कार करा और यहाँ पे उन्होंने अपना प्राण त्यागे थे
तो आज यहाँ पे उनकी वो भी पड़ी है, अस्थियाँ आज भी पड़ी हैं। तो सब लोगों से यही है कि आइए दर्शन करिए, देखिए ऐसे अनोखी जगहें आपको दिखा रहे हैं। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।